आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। कामाख्या मैया आप सभी का कल्याण करे। हमारे एक वर्ष पुराने शिष्यों के लिए यज्ञोपवीनतम संस्कार किस विधि से होगा, किस विधि से वो साल भर की जो अपनी साधना का फल प्राप्त कर सकते हैं मात्र अंबुबची के 3 दिनों में, उसी के ऊपर हम प्रकाश गुरु रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आज डालने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा हम पूर्ण विधि के द्वारा उन शिष्यों को बताने वाले हैं किस विधि से संस्कार होता है, क्या इसका नियम रहता है। इस वीडियो को सभी सेव कर लीजिए जो हमारे एक वर्ष पुराने शिष्य हैं। ये मात्र वीडियो हमारे ही शिष्यों के लिए है, अन्य जो है कोई इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि इस क्रिया को यदि कोई अन्य व्यक्ति जो है यदि करेगा तो उसको जो है कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह संस्कार मात्र कौल मार्गियों के लिए जो है बनाया गया, वो भी जिनकी दीक्षा को जो है 10 मंथ्स हो चुके हों, तो 10 महीने से ऊपर के जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए यज्ञोपवीनतम का यह संस्कार है। वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में आज हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी को बताते हैं। जैसे कि हमारे पुराने शिष्य हैं, उन सभी एक साल के अंदर उनको अनेकों प्रकार के मंत्रावली, अनेकों प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार के यंत्रों को स्थापित करवाया गया है। मुख्य रूप से उन सभी शिष्यों को यंत्र स्थापित करवाया गया है हमारे द्वारा। हर किसी का भी यंत्र सेम नहीं है, हर किसी का यंत्र अलग अलग है। सभी शिष्यों को जिस समय उनकी दीक्षा के समय जो भी यंत्र स्थापित करवाया गया था उस यंत्र को जो है मद्देनजर रखना है, उनको पुनः से इस यंत्र को का निर्माण करना है। इस बार यह यंत्र का निर्माण किसी भोजपत्र के ऊपर नहीं होगा, अभी तो इस यंत्र को किसी फल के ऊपर, किसी जो है वस्तु के ऊपर या फिर किसी कपूर के टिक्के के ऊपर, पान के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। बनाना किस चीज से है? नीम की कलम से, गौलोचन, चांदी वर्क। चांदी का वर्क जानते हो जो कि मिठाई वगैरह के ऊपर लगा होता है, उस चांदी के वर्क को साथ में मिला करके और गंगा जल, हल्दी, इन चीजों को आपस में मिला के जो यंत्र सभी को उनकी दीक्षा के समय पे बनवाया गया था वैसा ही सेम यंत्र उनको जो है इस जो है फल के ऊपर, किसी भी फल के ऊपर, मान लीजिए जैसे ये कटा हुआ आम है, इस आम के ऊपर जो है अनार की कलम से बना लेना है, या फिर कोई भी फल है उसके ऊपर बना लेना है उनको, या फिर पान के ऊपर बना लेना है, किसी को भी ऊपर बना सकते हैं वो। ये करने के उपरांत उनको जो मंत्र मिलता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी का मंत्र ओम नमः शिवाय है, किसी को दीक्षा में यदि ओम नमः शिवाय मंत्र मिलता है, ठीक, तो ओम नमः शिवाय, ठीक, जब जिसका जो मंत्र है, ठीक, पहले अपना मंत्र लिखाना ना, उसके बाद मम यज्ञोपवीनितम पवनीत महासंस्कार सर्वसिद्धि साध्ये मम देहे शरीरे प्रतिष्ठे नमः। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमने कोई मंत्र नहीं लिखा है, यहाँ से शिष्यों को पता है जिनको षटकर्म मिले हैं या एक साल की जिनकी दीक्षा हुई है, उनको जो मंत्र मिलता है, जो भी उनकी दीक्षा का मंत्र था, ठीक, जो भी उनको दीक्षा में प्रथम मंत्र मिला था, ये किसी का भी सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। जिसको दीक्षा में जो मंत्र मिला था उस मंत्र के माध्यम से जो है ये जो है बोल करके उनको इसका जाप करके जो है इनको हवन करना होगा। हवन की सामग्री क्या होगी उसकी? गौलोचन, केसर, नागर मोथा, ब्रह्मजाल, इंद्रजाल, रसौंत, चंद्रजड़ी, रजरंगा, गोसिंगी, हवन सामग्री,
बेलगिरी, नींबू शत और गाय का घी और नीम की लकड़ी। इन सब को आपस में मिला करके उनको इसी अभिष्ट सिद्धि के जो है मंत्र का जाप करके, मतलब पहले अपना मंत्र बोलना है, उसके बाद ये अभिष्ट सिद्धि का जो ये मंत्र है ये यहाँ तक शरीर प्रतिष्ठा तक, उसके बाद करने के उपरांत इनको पहले दो दिन अर्थात 22 तारीख और 23 तारीख इन दो दिनों तक इनको इसकी अत्यधिक जो है आहुतियां देनी है, चलते जो है हवन कुंड के अंदर लगातार चलना चाहिए, हवन कुंड बंद नहीं होना चाहिए। बंद मतलब जिस समय तो जितना हो सके उतना अधिक जो है इसके अंदर आहुति डालो, अनगिनत आहुति डालनी है इसकी, ठीक। 22 और 23 को, 24 और 25 तारीख को इनको क्या करना है, इसी मंत्र को पढ़ते हुए जो तुमको बताया गया है बहते जल में जाना है, डुबकी लगाते जाना है और इस मंत्र को पढ़ते जाना है, समझे। वो कैसे पढ़ना है, जिस समय जल में प्रवेश करोगे, जल में प्रवेश से पूर्व जल के किनारे दीपक लगा करके उसमें 5 फल जो है 5 पुष्प छोड़ करके वरुण देवता का, इष्ट देवता का, कुल देवी का, पितृ देवता का, क्षेत्र देवता का, ठीक, चौक चौराहे की माता का, गुरु महाराज का, सबका ध्यान करके जल में प्रवेश करना है, मंत्र पढ़ते जाना है, डुबकी लगाते जाना है, जितना अधिक हो सके बहते जल में ये करना है, ठीक है चीज। उसके बाद आती है लास्ट 26 जून। 26 जून के दिन उनको क्या करना है, जो यंत्र उन्होंने किसी फल के ऊपर, किसी पान के ऊपर, किसी मिष्ठान के ऊपर जो भी उन्होंने धारण किया था, जिसके ऊपर भी उसको बनाया था, उसी फल को या उसी भी वस्तु को, उस मिठाई को 26 जून को जो तुमने हवन किया है उसकी राख के साथ मिला करके, कपूर के साथ, जलते कपूर के साथ, अपने कंठ में स्थापित कर लेना है, समझे। उसी यंत्र को अपने जो है कंठ में स्थापित कर लेना है 26 जून को, और साथ में उसी दिन तुमने भंडारा करना है जितना अधिक हो सके, या तो भंडारा करो, अगर जो है जिसकी अगर साध्यता हो शिष्य की तो वो भंडारा करे अत्यधिक गुरु महाराज के नाम का, देवी माँ के नाम का। अगर भंडारा ना कर पाए, साध्यता में ना हो, अगर बजट ना हो किसी शिष्य का, तो वो कुमारी पूजन करे, ठीक। 5 से 7 लड़कियों को खाना खिलाए, इसी के साथ जो है गरीब इंसानों को, मतलब जो गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब जरूरतमंदों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवा दे। इस चीज़ के साथ ये जिस समय कंठास्थ स्थापित हो जाती है चीज़ें, 1 साल तक तुम्हारी सिद्धि का तुमने जो भी फल लिया है, 1 साल तक तुमने जो भी मंत्र जाप किया है, जो भी तुमने संस्कार किए हैं, जो भी तुमने क्रियाएं की हैं, उन सब का पूर्ण फल तुमको मिल जाएगा, समझे। यहाँ पे तुमको वो मंत्रों को लिखना है, याद रखना है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने नमः शिवाय यहाँ पे लिखा है, मान लो यहाँ पे किसी का कोई भी मंत्र है, मान लो किसी का निर्वाण मंत्र लगा लो, जैसे कोई ओम एंग हरिंग श्रृंग चामुंडा या विच्छे मम यज्ञोपवीतम सरकार संस्कारम सर्वसिद्धि साध्यते मम देह शरीर प्रतिष्ठे नमः। अगर कोई हवन करता है तो उस समय पीछे स्वाहा लगा सकता है, अगर कोई जाप करता है तो उस समय ये कर सकता है, तो ये इस तरीके से होगा, तो ये तुम्हारे शरीर के अंदर स्थापित हो जाएंगे, ये संपुटिक विधि होती है। तो इसी के साथ ये कपूर वगैरह जलते हुए साथ में करना है, लास्ट में जो है जल प्रवाह कर देना है इनको, मतलब जो तुम्हारे जो है हवन कुंड की राख होगी, स्वाहा होगी, जिस आसन पे, अलग आसन तुमने रखा होगा, लाल आसन पे बैठ करके पे होगा ये, और इसको आसन को जल प्रवाह कर देना उसके उपरांत, ठीक। जिस वस्त्रों में तुमने ये संस्कार किया है अपना 3-4 दिनों तक, उस वस्त्रों को जो भी तुमने धोती कुर्ता पहना उसको जो है संस्कार इस जो है 26 जून के बाद उसको जो है जल प्रवाह कर देना, अपने पास नहीं रखना है। तुम्हारे कंठास्थ हो जाएगा, सिद्धि 1 साल तक तुम्हारे जो है साथ चलेगी, जो तुमने 1 साल का किया है वो पूरा का पूरा फल तुम्हारे जो है गोद में होगा, तुम्हारे हाथ में होगा, उसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए लगाया जा सकता है। याद रखे 10 महीने से ऊपर के जो हमारे शिष्य हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये संस्कार है, हर किसी के लिए संस्कार नहीं है। यदि कोई जा करके
करके भी, गलती से भी अगर इस संस्कार को करने का प्रयत्न करेगा, शरीर में उनकी सिद्धि ऐसी गर्मी पैदा करेगी कि उनके शरीर में जो है बीमारियां लग जाएंगी। क्योंकि एक साल की सिद्धि को तुमको प्राप्त करने का अधिकार होता है, उससे ज़्यादा सिद्धि को प्राप्त करने का तुमको अधिकार नहीं होता। तो ये सिर्फ हमारे शिष्यों के लिए है, वही शिष्य संस्कार को करें जिनकी दीक्षा एक साल से ऊपर हो चुका है या 10 महीने से ऊपर जिनका हो चुका है, जिनका जो है दूसरा अंबुबाची पर्वीय लगा हुआ है। ठीक, तो वो एक साल की जो उनकी पूजा प्रोसेस था, जो उन्होंने किया था, पूजा पाठ भजन कीर्तन जो भी उन्होंने किया समय के दौरान, वो उनके जो है पल्ले पड़ जाएगा। तो हमारे शिष्यों के लिए इस प्रकार से यज्ञोपवीतम संस्कार करके वो अपनी सिद्धियों को जगा करके जगत का कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ संस्कार पूर्ण होने के उपरांत जो है प्रयत्न करें कि जरूरतमंदों को खाना खिलाए, भोजन करवाए और गुरु पीरों को दक्षिणा अवश्य दे, तभी तुम्हारी पूजा ये पूर्ण हो पाएगी। सभी को हमारी ओर से जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल।